तो दोस्तों शौक कीजिए इसे कबूतर का और बताइएगा किस नस्ल में से है ये कबूतर। साइज में भी बहुत बड़ा है और कई जगह से गुमनाम हो चुकी है वो नस्ल। ठीक है, जो रामपुर के करीबी होते हैं जो कबूतर, उनमें का ये कबूतर। आप इसकी आंख का शौक कीजिए। माशाल्लाह बहुत ही पुरानी नस्ल का कबूतर है ये। और इसके पल्ले और दिखाता हूँ मैं, पर दिखा दीजिए इसके, इसके ये पर देखिए। और ये पर दिख रहे हैं आपको, जिसमें मैं फोकस कर रहा हूँ वो देखिएगा आप। और सर का पल्ला और दिखा दीजिए। वो तो अभी बारिश का मौसम है तो इस वजह से कबूतर अलग नजर आ रहे हैं पूरे। अपनी खूबसूरती खो देता है कबूतर बारिश के अंदर। तो ये शौक कीजिए दोस्तों इस कबूतर का। ये था, चलिए इसको छोड़ दीजिए जैद भाई। तो ऐसे कुछ खास कबूतर जब भी नजर आएंगे तो आपको जरूर दिखाते रहूंगा। और जिसकी माजिन है वो भी जैसी है सेम, चलिए वो माजिन का और शौक करा दीजिए। तो अभी ये माजिन टोंक वाली लगा रखी है इन्होंने भाई ने, ठीक है। लेकिन नर के बारे में इन्हें पता लग जाए तो ये सिंगल करके उसकी माजिन ढूंढने में लग जाएंगे और एक दो साल के अंदर माजिन मिलेगी। वो ही मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात है। तो ये माजिन देखिए आप, ये माजिन लगा रखी है जी। छोड़ दीजिए इसको, दम वगैरह सब कटी हुई है बारिश की वजह से। तो ये जोड़ा है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये कबूतर के बारे में आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कौन सी नस्ल का कबूतर है ये और आपको कैसा लगा ये कबूतर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।